हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी पॉपेस्टी डो। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। पॉपेस्टी डो बनाने के लिए 300 ग्राम मैदा, 30 ग्राम रूम टेम्परेचर पे बटर यूज़ करूँगी, 50 ग्राम मार्जरीन, पानी, आधा चम्मच नमक। पहले मैदा पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और जो बटर लिया उसे 30 ग्राम मैं बटर ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ और पानी दे दे के थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। अभी अच्छी तरह से 10 मिनट्स डो को सॉफ्ट कर लूँगी मल मल के। अच्छी तरह से मल मल के सॉफ्ट डो बना लिया। अभी 2 आवर्स में सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 आवर्स हो गया सेट हो गया, पहले से कितना सॉफ्ट बन गया। और पहले मैं थोड़ा आटा डस्ट कर देती हूँ मैदा। मैदा डस्ट करके पहले बेल लूँगी। ऐसे लंबा सीट के आकर पहले बेल के रेडी करूंगी। ऐसे बड़ा सीट में बेल लिया। अभी जो मार्जरीन लिया था वो लगा लूंगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सारे जगह पे स्प्रेड कर देने का। ऐसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करके एक ट्रे ले लिया, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा का डस्ट कर देती हूँ। और जो सीट बनाया ऐसे रख के क्रिल रैप से रैप कर देती हूँ और 1.5 आवर्स फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। 1.5 आवर्स हो गया सेट होने को लिए छोड़ दिया था। अभी थोड़ा सा मैदा को डस्ट करूंगी। सेम प्रोसेस 3 बार करूंगी। ऊपर से भी थोड़ा मैदा डस्ट करके अच्छी तरह से बेल के रेडी करूंगी। ऐसे बेल के रेडी किया। वापस जो मार्जरीन लिया वो ऐड करूँगी। हाथ से ही लगाना बेटर रहेगा क्योंकि केली स्प्रेड अच्छी तरह से होगा।
इसमें थोड़ा सूखा मैदा ऐड करके बस आप एन आवर्स में सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसे प्रोसेस 3 बार करना पड़ेगा। सेट होने के लिए 1.5 आवर्स फ्रिज में रख देती हूँ। पॉप पेस्ट्री डो बन के रेडी हो गया। यही डो से बहुत सारा बेकरी आइटम बन सकता है। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।